औद्योगीकरण के दौरान मजदूर। जैसे जैसे कारखाने लगने लगे और खदानें खुली, गांव से बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में शहरों की ओर चले। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ था तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन पुलिस विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। मजदूरों को शहरों की गंदी बस्तियों में बिना किसी नगरीय सुविधा के रहना पड़ा। इस कारण बीमारियां व महामारियां फैली। बीमारियों और गरीबी के कारण मजदूरों की औसत आयु उन दिनों बहुत कम थी। बहुत से उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में लंबे समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का मौसम गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव में चले जाते थे, जहां इस समय काम निकलने लगता था। लेकिन ज़्यादातर लोग शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार हुआ, लेकिन अक्सर यह महंगाई के कारण असरहीन हो जाता था। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी, रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्हें कितने दिन काम मिला है। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। ऐसे कठिन समय में विवश मजदूर रोटी के लिए दंगा फसाद पर भी उतर आते थे। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। वे मशीन को रोजगार छीनने वाला साधन मानकर उसे तोड़ने का प्रयास करते थे। शुरू में कारखानों की मशीनों को निशाना बनाया गया और समय के साथ गांव में नए लाए गए कृषि यंत्रों जैसे थ्रेशर की भी तोड़फोड़ की जाने लगी। मजदूर औरतें और बच्चे। औद्योगिक क्रांति से महिलाओं और बच्चों के काम करने के तरीकों में, इससे पहले ग्रामीण गरीबों के बच्चे हमेशा घर या खेत में अपने माता पिता या संबंधियों की निगरानी में तरह तरह के काम किया करते थे। ये काम दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। इसी प्रकार गाँव में महिलाएं भी खेत के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। वे पशुओं का पालन पोषण करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी और अपने घरों में चरखे चलाकर सूत काटती थी। औद्योगिक क्रांति के बाद उन्हें कारखानों में काम करना पड़ा, जो इससे बिल्कुल अलग किस्म का काम होता था। वहाँ लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का काम, कठोर अनुशासन तथा तरह तरह के दंड की भयावह परिस्थितियों में कराया जाता था। पुरुषों की मजदूरी मामूली होती थी, जिससे घर का खर्च नहीं चल सकता था। इसे पूरा करने के लिए महिलाओं और बच्चों को भी कमाना पड़ता था। ज्यों-ज्यों मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, काम करने के लिए कुशल मजदूरों की जरूरत कम होती गई। उद्योगपति पुरुषों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे। महिलाओं और बच्चों को लंकाशायर और यॉर्कशायर नगरों के सूती कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था। इसके अलावा रेशम, फीते बनाने और बुनने के उद्योग धंधों में, बर्मिंघम के धातु उद्योगों में अधिकतर बच्चों और महिलाओं को नौकरी दी जाती थी। रुई काटने की मशीनें तो कुछ इस तरह की बनाई गई थी कि उनमें बच्चे अपनी फुर्तीली उंगलियों और छोटी कदकाठी के कारण आसानी से काम कर सकते थे। बच्चों को अक्सर कपड़ा मिलों में रखा जाता था, क्योंकि वहां सटाकर रखी गई मशीनों के बीच से छोटे बच्चे आसानी से आ जा सकते थे। बच्चों से कई घंटों तक काम लिया जाता था,
यहाँ तक कि उन्हें हर रविवार को मशीनें साफ करने के लिए काम पर आना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ताजी हवा भी नहीं मिलती थी। कई बार तो बच्चों के बाल मशीन में फंस जाते थे या उनके हाथ कुचल जाते थे। कभी कभी बच्चे काम करते करते इतने थक जाते थे कि उन्हें नींद के झपके आ जाती थी और वे मशीनों में गिरकर मौत के मुंह में चले जाते थे। कोयले की खाने भी बहुत खतरनाक होती थी। खानों की छतें धस जाती थी अथवा उनमें विस्फोट हो जाता था। चोट लगना तो वहाँ आम बात थी। कोयला खानों के मालिक कोयले के गहरे अंतिम छोरों को देखने के लिए बच्चों को ही भेजते थे, जहाँ जाने का रास्ता वयस्कों के लिए बहुत संकरा होता था। यहाँ तक कि वे अपनी पीठ पर कोयले का भारी वजन भी ढोते थे, कोयले से भरी गाड़ियों को खींचते थे। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत ज़रूरी समझते थे, ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सकें। अधिकांश कारखानों में 10 से 14 साल की उम्र से बाल मजदूर काम करना शुरू कर देते थे। महिलाओं को मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिली, बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन इससे उन्हें जितना लाभ हुआ, उससे कहीं ज़्यादा हानि काम की अपमानजनक परिस्थितियों के कारण हुई। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही या शैशवावस्था में ही मर जाते थे, और उन्हें अपने औद्योगिक काम की वजह से मजबूर होकर शहर की घिनौनी व गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। मजदूर आंदोलन। प्रारंभ में तो मजदूर अनियोजित दंगा या तोड़फोड़ के जरिए अपना गुस्सा व्यक्त करते थे, लेकिन जब इससे परिस्थितियां नहीं सुधरी तो वे अधिक संगठित तरीकों से अपना विरोध दर्शाने लगे थे। अलग अलग उद्योगों में काम करने वाले कामगारों ने संगठन बनाए, ताकि वे साझे रूप से मालिकों से सौदाबाजी कर सकें। ये संगठन बाद में जाकर मजदूर संघ बने। इसी तरह बेरोजगारी या बीमारी के समय आपसी मदद के लिए सहकारी सहयोग समितियां बनाई गईं। मजदूर आपस में चंदा करके इन सहकारी समितियों को चलाते थे। प्रायः मजदूर उन दिनों फ्रांसीसी क्रांति और जैकोबिन गणतंत्रात्मक विचारों से तथा समाजवादी सोच से प्रेरित थे। वे समाज में सबके लिए आर्थिक और राजनीतिक समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने लगे। सन 1811 से 17 के बीच एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले जनरल नेड लूड के नेतृत्व में लूडिज्म नामक आंदोलन चलाया गया। यह एक किस्म का विरोध प्रदर्शन था। लूडिज्म के अनुयायी मशीनों के तोड़फोड़ में ही विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वे न्यूनतम मजदूरी, नारी व बाल श्रम पर नियंत्रण, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगें पेश करने के लिए मजदूर संघ या ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार की मांग करते थे। सरकार ने इसका जवाब दमनकारी नीति से दिया। संसद ने कानून पारित कर लोगों द्वारा राजकीय नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन लोकतंत्र के प्रवाह को रोका न जा सका और इन दमनकारी अधिनियमों को सन 1824 से 25 में निरस्त कर दिया गया। सन 1832 के बाद क्रमशः संसद की सदस्यता समाज के दूसरे वर्गों के लिए भी खोली गई। इसके अलावा सन 1819 के बाद धीरे धीरे ऐसे कानून बने जिन्होंने बाल श्रम को नियंत्रित किया और सभी के लिए काम के घंटों को सीमित किया।